प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है और अपना करियर भी मैथमेटिक्स में ही बनाना चाहते हैं, तो ऐसे डाटा साइंटिस्ट इस तरीके से स्टेटिस्टिकल कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया कॉलेज और एक उसके बारे में और एक नई इन्फॉर्मेशन आज आपको दे रहा हूँ मैं, तो ध्यान से सुनेंगे। ISI, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कलकत्ता, दिल्ली और तीन चार सेंटर हैं इसके, तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म है और साथ में एक नया कोर्स ये लॉन्च कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि इसके दो कोर्स होते हैं, बी स्टेट और बी मैथमेटिक्स, ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री होती है पढ़ाई इनमें। लेकिन इस साल से ISI ने एक नया कोर्स लॉन्च करा है जो 4 ईयर प्रोग्राम है और जिसे आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी। और JEE मेन और CUT के स्कोर से आप उस पर एडमिशन ले सकते हैं। ये 4 साल का प्रोग्राम होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आया है, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एडमिशन टू बैचलर ऑफ स्टेटिस्टिकल डाटा साइंस प्रोग्राम 2025। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी, आप कब अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, तो इसमें आपने 10+2 करी हो या तो 2024 में, यानी कि पिछले साल आपने करी हो, आप ड्रॉपर हैं, और 2025, ठीक है, मैथ्स आपका मेन सब्जेक्ट हो, मैथ्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों भी ऑप्शन हो सकते हैं, और इंग्लिश आपके पास एक ऑब्जेक्ट होना सब्जेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 75% मार्क्स एग्रीगेट हो आपके 12th में, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल एलिजिबल हैं। और साथ में आपको इन चारों में से कोई एक कोर्स, मतलब आपकी रैंक देखी जाएगी, JEE मेन 2024 और JEE मेन CUET, आपका मैथ्स और इंग्लिश का स्कोर देखा जाएगा, या तो पिछले साल का या इस साल का। इस कोर्स के बारे में बता दूं मैं आपको, ये कोर्स की फीस है 1 लाख पर सेमेस्टर और ये दिल्ली और कलकत्ता, ये दो तीन सेंटर में चलेगा। हाइब्रिड प्रोग्राम है, ऑफलाइन ही होंगी क्लासेस लेकिन इंटरकनेक्टेड होंगी क्लासेस, ऐसा कुछ लिखा है। आप उसे डिटेल में पढ़िए उस ब्रोशर को, तब अपने एक डिसीजन पे पहुंचना। मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट तो ISI है और उसका भी एक कोर्स हो तो बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो उम्मीद करता हूँ। और जो भी आपके आसपास कोई ऐसा मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है जो पिछले साल ड्रॉप किया था उसने और उसका स्कोर था JEE मेन का मैथ्स में अच्छा, तो उसको अप्लाई करना चाहिए, उस तक ये वीडियो भेजें। थैंक यू।